गाइज, आप सभी लोगों को ITRU के बारे में बहुत सारे क्वेरीज आती हैं, और आप लोगों का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि क्या आप ITRU यानी कि अपडेटेड रिटर्न के थ्रू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या आप इसमें आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, क्या आप इसमें लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही क्विकली इन सारे ही स्पेसिफिक पॉइंट्स को जो कि ITRU के बारे में आते हैं, इन सभी को मैं कवर करने वाला हूं, और आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। सो गाइज, मैं हूं नितेश, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ITRU के बारे में सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप इसमें इनकम टैक्स रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी रिफंड अमाउंट बनता था तो उसे आपको फॉरगो करना पड़ेगा, यानी कि आप इसमें ITRU के थ्रू ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप कोई भी इनकम टैक्स रिफंड क्लेम कर सकें। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह होता है कि आपका अगर कोई भी लॉस का केस है, जैसे अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह में डील करते हैं या फिर इंट्राडे में डील करते हैं, तो आपको अगर कुछ उसके लॉसेस हैं तो वो भी आपके एक्सपायर हो जाएंगे, उसे आप ITRU के थ्रू कैरी ओवर नहीं कर सकते। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ITRU के बारे में, वो है पेनल्टी का। अगर आप ITRU आपका असेसमेंट ईयर एंड होने के 12 मंथ्स के अंदर अंदर आप फाइल करते हैं, तो उस केस पे आपको टोटल आपके टैक्स अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट प्लस सेस अमाउंट का 25% आपको एडिशनल पेनल्टी लगाई जाती है अंडर सेक्शन 139(8)(a). और ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पे आपका जो लेट फीस चार्ज होता है उसके ऊपर आपकी पेनल्टी नहीं लगती, यानी कि जो पेनल्टी का कैलकुलेशन होता है वो हमेशा टैक्स अमाउंट, सेस अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट को कंबाइन करके लगाया जाता है। और अगर आपका असेसमेंट ईयर एंड होने के आप 24 मंथ्स में आप अपनी ITRU फाइल करते हैं, तो उस केस में आपके ऊपर 50% तक का पेनल्टी लगाया जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लेट फीस का। अगर आप ITRU फाइल करते हैं तो उस केस में लेट फीस जो होती है अंडर सेक्शन 234(f) वो हमेशा सेम होती है जैसा नॉर्मल रिटर्न्स के केस में लगता है, यानी कि अगर आपका 234(f) आपकी टोटल इनकम जो होती है वो सिर्फ 5 लाख रुपए तक होती है, तो उस केस में आपको सिर्फ 1,000 रुपए का आपको लेट फीस लगता है। और अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा की आपकी टोटल इनकम जाती है तो उस केस में आपकी लेट फीस 5,000 रुपए तक की होती है। इसके अलावा अगला पॉइंट होता है ITRU के बारे में, वो ये है कि अगर आपका कभी भी कोई असेसमेंट चल रहा होता है, जैसे अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे लोगों को 148(a) का नोटिस आ रहा है, तो अगर आपका इस तरीके से कोई भी केस ओपन हो जाता है 148 सेक्शन में, या फिर आपका 144 में कोई केस चल रहा है, या फिर आपका सर्च एंड सीज़र यानी कि रेड वगैरह का कोई केस ओपन हो रखा है, तो उस केस में आप ITRU फाइल नहीं कर सकते। और ये ऑब्वियसली बात है क्योंकि नोटिस आने के बाद अगर आप रिटर्न अपडेट कर देंगे तो असेसमेंट जो होता है वो इम्पैक्ट हो जाएगा, उसको उसका पूरा पूरा प्रोसेस अलग चलता है इसलिए, और आप ITRU में कुछ भी उस टाइम पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, आप सभी लोग पूछते हैं कि क्या आप ITRU के थ्रू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है गाइज, यस, आप इनकम टैक्स रिटर्न अपनी रिवाइज कर सकते हैं, बट इसमें एक कैच है, वो आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप अगर ITRU के थ्रू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को आप रिवाइज करते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी ओरिजिनल वाली फाइल रिटर्न थी उसकी पूरी डिटेल्स, यानी कि उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर कितना था, उसका डेट ऑफ फाइलिंग वगैरह क्या था, और उसमें कितनी इनकम आपने डिक्लेयर करी थी, वो सब कुछ आपको ITRU में मेंशन करना होता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि आपकी जो ITRU की फाइलिंग होती है वो हमेशा आपकी ओरिजिनल रिटर्न से हायर साइड में होनी चाहिए, यानी कि आपका जो टोटल इनकम होता है वो आपकी ओरिजिनल रिटर्न जो आपने पहले फाइल किया था उससे आपका हमेशा हायर साइड पे होना चाहिए, और आपका जो टैक्स की लाइबिलिटी होती है टैक्स लाइबिलिटी भी हमेशा हायर साइड पे होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आपकी ओरिजिनल रिटर्न में 4.5 लाख की आपकी टोटल इनकम दिखाई थी, तो आप अपनी ITRU जो कि आप सेकेंड टाइम भर रहे हैं रिवाइज करते हुए, इस वाले रिटर्न में आप 4.5 लाख को बेस इनकम मानेंगे, इससे आप नीचे नहीं जा सकते और ना ही आपकी टैक्स लाइबिलिटी इससे नीचे जा सकती है, तो हमेशा आप इसके ऊपर अपनी इनकम रखेंगे, और इससे ज्यादा आप इसमें टैक्स पे करेंगे तो ही आप इसमें अपनी ITRU फाइल कर सकते हैं। तो आप लोगों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि आपको ITRU फिर फाइल करने की जरूरत ही क्या है, कौन आगे बढ़ के ज्यादा टैक्स देना चाहता है।
तो इसका मैं आंसर आपको ये बता दूं कि अगर आप अपनी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी ज्यादा, या फिर आपसे कोई इनकम स्टेटमेंट हो गई थी और आप उसको आप रेक्टिफाई करना चाहते हैं, सिर्फ उस केस में ही आप ये रिवाइज वाला ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो कल को आपको केस वगैरह लग सकते हैं, आपका कल को केस ओपन होगा जिसमें आपको नोटिस भेज करके फिर आपसे पेनल्टी वगैरह भी लगाई जाती हैं, एक पूरा सस्पेंड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं थ्रू ITRU। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर दूं इसको कि कभी भी आपका जो रिटर्न होगा ITRU में, वो ओरिजिनल रिटर्न से उसमें इनकम आप नीचे नहीं दिखा सकते, हमेशा हायर साइड पे होगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह आता है कि ITRU को जब भी आप फाइल करते हैं वो सिर्फ वन टाइम फाइल हो सकती है। यानी कि अगर आपने ITRU में कुछ भी इनकम आपने एक बार डिक्लेयर कर दी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ITRU को आप दोबारा से फाइल कर दो या फिर ITRU को आप किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर लो, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ITRU जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार फाइल हो सकती है, उसके अलावा इसको फाइल नहीं किया सकता। इसके अलावा यहाँ पे एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आप ITRU के थ्रू अपनी फर्स्ट टाइम फाइलिंग भी कर सकते हैं। यानी कि सपोज करिए आपने आज की पहले रिटर्न कभी भी फाइल नहीं करी है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम फाइलिंग करना चाहते हैं डायरेक्टली थ्रू ITRU, तो ये भी पॉसिबल होता है, आप पूरी तरीके से इसकी फाइलिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं इसके टाइमलाइन की बात करूं, तो जो आपका ITRU का टाइमलाइन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जिस साल की आपकी रिटर्न होती है उसके एंड उस असेसमेंट ईयर के एंड होने के आपको मैक्सिमम 2 साल तक का टाइम मिलता है ITRU फाइल करने का। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से ब्रीफ करूं, तो अगर आपकी असेसमेंट ईयर 2021 की रिटर्न है, तो उसका आपका एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर पड़ता है 31 मार्च 2021 को, और वहां से आपको 2 साल तक का टाइम मिलेगा ITRU फाइल करने का। यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 की जो रिटर्न होगी ITRU फाइल करने की, उसकी लास्ट डेट होगी 31 मार्च 2023। यानी कि अगर आपकी रिटर्न असेसमेंट ईयर 2021 की है और आप उसको अभी फाइल करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है, लेकिन उसकी लास्ट डेट आपकी 31 मार्च 2023 तक होने वाली है। सिमिलरली अगर आपका असेसमेंट ईयर 21-22 का केस है, तो उस केस में आपका एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर होता है 31 मार्च 2022 को, और उसका ITRU फाइल करने का लास्ट डेट जो होगा वो 31 मार्च 2024 तक होगा। और असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, अभी जो करंट असेसमेंट ईयर है 22-23, इसके लिए आपका लास्ट डेट होगा 31 मार्च 2025 तक। तो ये है पूरा प्रोसेस। इसमें मैंने आई थिंक सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की, और आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जिसके बारे में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे, उनमें से सबसे पहला पॉइंट था कि क्या आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैंने यहाँ बता दिया, रिटर्न रिवाइज पॉसिबल है लेकिन वो हमेशा हायर साइड पे होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि क्या आप इस पे रिफंड क्लेम कर सकते हैं, तो रिफंड क्लेम करना इसमें अलाउड नहीं होता, वो स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड है। इन शॉर्ट ITRU जो बनाया गया वो हमेशा गवर्नमेंट के फायदे के लिए बनाया गया, इसमें गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करना है, आप रिफंड की बात इसमें नहीं करने वाले हैं। तो ये सारा कुछ था जिसपे कई सारे पॉइंट्स आप लोगों के बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे थे, तो इसके लिए मैंने इसमें एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको काफी यूजफुल लगी होगी, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि ITRU किन केसेस में वो फाइल कर सकते हैं और इसमें क्या प्रोसेस वगैरह होने वाला है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में ला सकूं। चलिए मैं गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।